हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, यूपी बीएड एग्ज़ाम 2020 जो कि आपका एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है कि काउंसलिंग होना है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग जो आपका होना था 21 सितंबर से, उसको निरस्त कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये काउंसलिंग आपका अक्टूबर में होगा और बीएड में प्रवेश के लिए ये काउंसलिंग होनी थी, जो कि 3 राउंड में ये काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों, ये काउंसलिंग जो है कि निरस्त कर दी गई है और अक्टूबर में आपको जो कि काउंसलिंग होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये आखिर काउंसलिंग निरस्त क्यों हुई है। तो आप पूरे वीडियो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यूपी बीएड एडमिशन 2020 अक्टूबर में होगी बीएड प्रवेश की काउंसलिंग। तो दोस्तों, ये अपडेट जो है कि 13 सितंबर 2020 का है अपडेट ये, और ये अपडेट जो है कि आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है। तो चलिए जानते हैं इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों, बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। अब यह काउंसलिंग अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो आपका 21 सितंबर जो आपका काउंसलिंग होने वाला था, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। अब यह काउंसलिंग अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न होने के कारण और कई नतीजे न आने के कारण यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, अभी क्या है कि हमारे थर्ड सेमेस्टर ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि अभी स्नातक की परीक्षा नहीं हो पाई है। इसके कारण से यह निर्णय लिया गया है कि इस एग्ज़ाम को आपका अक्टूबर में कराया जाए। प्रदेश में बीएड कॉलेजों को में दाखिला के लिए 4,31,904 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन किया था। बीते 9 अगस्त को हुई संयुक्त परीक्षा में 3,56,946 अभ्यर्थी शामिल हुए। 5 सितंबर को इस नतीजे भी जारी कर दिए गए। अब यह ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कराई जानी है। तो दोस्तों, जैसा कि 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 5 सितंबर का आपका रिजल्ट आ गया था। तो दोस्तों, इसमें 3,56,946 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, बीएड के राज्य समन्वयक प्रो अमिता वाजपेयी ने बताया है कि यह काउंसलिंग 21 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन कई विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न होने के कारण इसे टालने का फैसला लिया गया है। इन्होंने बताया कि शासन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। इस तिथियों के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है, नई तिथियों के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। इसको लेकर सोमवार को सलाहकार समिति बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की कई नई तिथियां फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज सोमवार है, आज ही के दिन जो कि नई तिथि के लिए फैसला लिया जाएगा। जैसे ही नई तिथि आएगी तो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर लेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी न्यूज अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। और बीएड का जो एग्ज़ाम है वो स्थगित निरस्त कर दिया गया है 21 सितंबर का, और न्यू एग्ज़ाम डेट जो है कि काउंसलिंग डेट है वो आपका अक्टूबर में होगा। तो जब तक आ जाएगी नई डेट अक्टूबर में, तो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों।